टंगस्टन का आपने बताया कि लाल हो जाता है वो दो लोग लड़ रहे हैं जरा वो वो भी बताइए जैसे लड़कों सब आते हैं सब तो उनको ये समझ में नहीं है। फिजिक्स ना एक तो, तो कुछ ऐसे होते हैं दिमाग में लेके चले जाते हैं भैया ये तो मेरे लिए बना ही नहीं है ऐसा नहीं है हमारा कोशिश ये रहता है कि एक मजदूर जो है अगर मजदूरी करके आ रहा है उसने पढ़ाई नहीं किया है फिर भी उसको अगर क्वांटम फिजिक्स समझा दिया जाए ये होती है टीचिंग वहां पे ताकि आपका बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं हो हम जो टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं यहाँ तक समझ में आए टंगस्टन जैसे आप बोले थे यहाँ पे तो लड़कों लोग को प्रॉब्लम हो रहा था तो हमने बस उन को यही बताया कि जैसे आप लोगों को गुस्सा लगता है तो अलग अलग तरीके से कोई गुस्सा होता है कि कोई गुस्सा होगा तो गालियां देने लगता है कोई एक दो हाथ लगाने लगता है कोई श्रापने लगता है कि तुम्हारा ये हो जाए वो हो जाए वहां पे। उसी तरह मेटल्स की अलग अलग खासियत होती है टंगस्टन उसमें है, उसको करंट देंगे तो गुस्से से लाल हो जाएगा इसलिए हीटर में उसको लगाते हैं ये सॉरी टंगस्टन देंगे तो चमकने लगता है इसलिए बल्ब में डाल देते हैं अलग अलग चीज़ें नाइक्रोम होता है चमक के हीट देने लगता है तो वही वो जिस चीज़ को देखा है उस चीज में उसको अच्छे से समझाया जाए मैंने आज तक ऐसा टीचर नहीं देखा सर बट <laughs> जो आप कर रहे हैं आई इवन टेल यू आप कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं हमारे देश में जैसे आपने कहा कि एक मजदूर को भी क्वांटम फिजिक्स समझ आ जानी चाहिए इतना बड़ा सपना लेना ही कि ये पॉसिबल भी है क्योंकि मैंने तो जहां तक देखा एक एलिट क्लास होती है इंडिया में उसी को इंग्लिश मिलती है और वो इंग्लिश जिसको मिलती है उसी को एक सर्टन टाइप ऑफ एजुकेशन मिलती है और फिर वही और आगे बढ़ता जाता है वही नौकरियां ले जाता है वही टॉप पोजिशन ले जाता है आपने उसको तोड़ने की कोशिश किया हमारे लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था कि हमने इंग्लिश मीडियम छोड़ के हिंदी मीडियम में आ गया आपने इंग्लिश जिंदगी सबसे अच्छा डिसीजन था अगर हम नहीं छोड़े रहते तो कहीं कुछ भी नहीं कह रहते। क्या पढ़ रहे हैं हमें नहीं समझ में हाँ जरूर है कि इंग्लिश मीडियम में या फिर जो आजकल के स्टैंडर्ड उसमें हम जितने पैसे खर्च कर रहे हैं जितना इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं तो अगर हम हजारों की भीड़ अगर किसी चीज़ में लगाएंगे तो एक दो तो सफल होकर आएंगे ही आएंगे ना लेकिन एक ये भी तो देखिए हमने कितने उसमें लगाए और कितना आउटकम आया यहाँ पर तो हिंदी मीडियम के आप स्कूल में हमारे यहाँ पे एक स्कूल में हम जब पढ़ रहे थे सरकारी स्कूल में तो ऊपर से टूट के गिर गया था छत थोड़ा सा तो फूट गया सर यहाँ पे मेरा अब बताइए वहाँ वहाँ के लड़का सबको तो पहले दिखना पड़ता है कि मेरा बिल्डिंग कैसा है तो ये सब भी तो मायने रखता है वहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि उनको जितना हम लोग अगर मोटिवेट करें या अच्छा एक चीज़ और भी है लोग सफल होने के बाद ना इंग्लिश को ज्यादा प्रीफर करने लगते हैं तो ऐसा लगने लगता है कि इंग्लिश ही है बहुत बड़ी भाषा ही है ऐसा नहीं है भाषा बाधा नहीं होनी चाहिए खास एजुकेशन में जी हाँ, बिल्कुल आपका बचपन कैसा था मैंने सुना है बहुत आ, मतलब पैसे की कमी रही ये वो कितनी आपने गरीबी देखी है काफी तो मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि लोगों को पता लगा कि आपके बैकग्राउंड के लोग भी कितना ऊपर गए हैं तो इसके लिए ये बताना जरूरी है कि आपका बचपन कैसा था अब गरीबी की हम क्या बोले हमने गरीबी को उतने पास से देखा है कि लोग अपनी पत्नी को उतना पास से ना देखे हों फिर okay. भी, भी कुछ चीज़ें थी दोस्तों ने काफी हेल्प किया वो अपने पॉकेट खर्च में से कुछ पैसे देते थे ताकि आदमी पढ़ सके यहाँ पे तो काफ़ी दोस्तों ने भी हेल्प किया यहाँ पर और धीरे धीरे कुछ टीचर्स भी आए हैं वो लोग लो ने भी पहले कुछ टीचर थे जो मतलब बहुत कम फी में पढ़ाते थे तो हमें भी ऐसा लगा था कि जैसे हमारे साथ के बहुत सारे लड़के उनको अच्छी कोचिंग्स मिल गई टेंथ और इलेवेंथ के बाद तो उन लोग काफी अच्छे अच्छे जगह पढ़ने लगे हम लोग उनको देखते थे तो ऐसा लगता था कि ये जगह हमारे लिए नहीं एक अलग सी फील आती थी कि ये मेरे लिए नहीं है यहाँ पर तो फिर जब हम लोग टीचिंग में आए तो हमने सोचा था कि भाई कोई भी गरीब से गरीब लड़का के लिए वो बड़े से बड़ी शिक्षा ग्रहण करने के लिए सपना देख सकता है और उसका सपना पूरा होगा वेरी नाइस nice.